हम आपको अमेठी की हकीकत दिखाएंगे, क्या है माहौल, कितना मिला है योजना, ये हम जानने के लिए धरातल पर उतर गए हैं। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए, अंत तक वीडियो को देखते रहें, क्योंकि दिखाना हमारा काम है और देखना आपका काम है। नाम बताइए। हमारी बताए न माना, आप चलकर खुद देख ली दुआरी दुआरी। तो डंफर वगैरह चलता है क्या आपके गांव में भी? डंफर आ जाता नहीं, है क्या? गांव में नहीं आता। गांव में नहीं आता डंफर? गांव में डंफर नहीं आता? चलिए खैर कोई बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं डंफर चलता है इसलिए सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं। चलिए बहुत गौर से सुनिएगा। कमर कुवट बटा एक बूढ़े पाइन कमल बटा। अरे हाँ जाड़ियम ठंडी में कमर बटे गरीब गुड़बा बढ़े पहने। अरे स्मृति रानी लगातार कम्बल में कम्बल बांट रही दादा। तो किसी को हमको पाँच को तो नहीं मिला कभी, स्मृति रानी की ऐसी कैसी। ये उज्ज्वला योजना के तहत इनको सिलेंडर मिलना चाहिए, और दूसरा जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको आवास मिलना चाहिए। आवास भी देख लीजिए। नहीं दिन तो यही वजह से कच्चा। तो दादा आपके हवेली कहाँ है? अरे यार देखा ही कुरिया बंगला धारा। अच्छा, है तो अभी हम दिखावा वही आए। हाँ ट्वेंटी फोर तक न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद जैफ है। गांव-गांव की रिपोर्टिंग करना ये मेरा शौक है। इस वक्त जो हमारी चुनावी यात्रा है वो ज़िला अमेठी में है, और अमेठी के बाद सुल्तानपुर, सुल्तानपुर के बाद रायबरेली, रायबरेली के बाद आगे की तरफ इसी तरीके से हमारा कारवा बढ़ता रहेगा और हमारी जो टीम है उत्तर प्रदेश की रिपोर्टिंग आप तक पहुँचाएगी। अमेठी की अगर बात किया जाए तो यहाँ से जो सांसद हैं वो स्मृति रानी हैं और केंद्र सरकार में वो मंत्री हैं, और अगर विधानसभा की बात किया जाए तो ये जगदीशपुर विधानसभा है, और जगदीशपुर विधानसभा में जो विधायक हैं वो योगी सरकार में राजमंत्री हैं। ये सारे लोग अमेठी में पाए जाते हैं। लेकिन मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि हम ये कहाँ पहुँच गए हैं। ये बच्चे हैं, बरसात तो आप देख ही रहे होंगे कि बूंद जो है वो टप टप टपक रहा है, और ये लोग जो है खेल रहे हैं। लेकिन अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाएं तो एक हवेली दिख रही है, एक नहीं कई हवेली आपको दिखेंगी, और ये पत्थर की नहीं मिट्टी की बनी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर एक इंसान को आवास मिल गया है, और स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय सबको मिल चुका है। इस तरीके से कागजी दावे किए जाते हैं, लेकिन अमेठी में दो दो मंत्री फिर भी ये लोग इतना पीछे हैं। अब इस पर हम बात करेंगे लोगों से, इनसे बात करेंगे। चाचा सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे, और जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस जगह का नाम बताइए। हमारी बताए न माना, आप चलकर खुद देख ली दुआरी दुआरी। अच्छा, अच्छा हम आपकी बताई न माने गांव चल के देख लें। हाँ का दिखाओगे बरसात में, का देखें? देख रहे हो बारिश जो है पूरा सर पे चढ़ रहा है चाचा। हाँ अब यही देख लियो। हाँ का देख ली? कमर कुवट बटा एक बूढ़े पाइन कम्बल बटा। अरे हाँ जाड़ियम ठंडी में कम्बल बटे गरीब गुड़बा बढ़े पहने। अरे स्मृति रानी लगातार कम्बल में कम्बल बांट रही दादा। तो किसी को हमको पाँच को तो नहीं मिला कभी, स्मृति रानी की ऐसी कैसी। हाँ। चाचा सुनो। हाँ। चाचा सुनो। हाँ। स्मृति रानी देखो कम्बल बांट रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी शौचालय बांट रहे हैं। हाँ। दिए थे मतलब हमका नहीं मिला तो हम आपसे कह रहे। अच्छा तुमका नहीं मिला। हाँ। तो हमसे कह रहे हो। हाँ। तो ये जो तुम्हारे यहाँ ये कॉलोनी आलोनी जो कच्चा मकान पड़ा है, ये कहे कच्चा मकान है दादा? अब भैया नहीं दिन तो यही वजह से कच्चा है, और जिसके पास है। हाँ। को पे घर से बनवाता है, बनवा वाला तो बनवा ली। हाँ। और जे नहीं ना बनवा वाला, कमाने वाला है नहीं। हाँ। और पैसा है नहीं तो कहाँ से बनवा लिए। अरे तो मोदी जी जो दे रहे हैं वो वाला तुम कहे नहीं ले, तू है जाके बोलतू कि हमका चाहिए हमार मकान ना ही ना। हाँ मुला हम अकेले कहे, हमें अकेले कहे थोड़े हुए सब कहा।
सब कहा है, तब जाए के सरकार सुनी है। सरकार मतलब बहरी हो गई है, एक अकेले आदमी नहीं सुना थे का? अकेले का नहीं सुना, अकेले ना ही सुना थे। अच्छा दादा आपके हवेली कहाँ है? अरे यार देखा कुरिया बंगला धारा। अच्छा, है अभी हम दिखावा वही आए। हाँ दादा कितनी उम्र है दादा? ये दादा कितनी उम्र है? हमारी उम्र? हाँ अरे हमार हुए कम से कम 83 साल। 83 साल के हो? हाँ। तो पेंशन अंशन तो उठाए रहे भैया? उठो नहीं, पेंशन कीन के तब नहीं मिली। अब ई उम्र में ना मिले तो का कबर में जाग मिली है? आप कहा बूढ़न का दिए बन कर? हाँ। हाँ। बूढ़न का देवे ना करबे तो की के जमानन का दिए बूढ़न का ना दिए? हाँ देखो दूसरे ये दादा से हम बात कर रहे थे, दूसरे दादा भी आ गए। दादा इधर आओ, सुनिए दादा यहाँ आओ। देखो कितनी उम्र है दादा आपकी? वही 60-70 साल। 60-70 साल हुए तो पेंशन वेंशन मिल रहा कि नहीं दादा? नहीं, कुछ नहीं। क्या नाम है? रमजान। रमजान, अरे रमजान दादा आपका काहे नहीं मिल रहा है? ये का मतलब काहे आप छूट गए? भैया कुछ नहीं ना, हवेली तो बनवा दी नहीं है मोदी जी। कुछ नहीं बनवाई हवेली, दिखाओ या हटो संसद। कुछ नहीं बनवाई। हाँ। अच्छा सड़कों की बात किया जाए तो आप लोगों के यहाँ सड़क उड़क तो मतलब बढ़िया होगा? यही है साहब। अच्छा जो रास्ते से आए यही है? ये तो बहुत अच्छा है, बरसात में स्लिप करे पता न चले मछली आए कि कहाँ चली गई है। हाँ, अभी हम आ रहे थे दादा। क्या नाम है आपका? रईस अहमद। रईस अहमद, अभी हम आ रहे थे तो जिस रास्ते से आ रहे थे गाड़ी बरसात की वजह से गाड़ी ऐसे स्लिप करे जैसे लग रहा है मछली जो है जमीन पे डाल दो फड़फड़ नहीं करती, ऐसे कर रहे हैं। सही है, ऐसे ही है। तो ये कारण क्यों है, मतलब आप लोग इतने पीछे क्यों है विकास से? अरे सरकार नहीं ध्यान देती है, हम लोग क्या करें यहाँ, अब सरकार तक पहुंच भी नहीं पाते हैं, हम लोग किसान आदमी हैं। अच्छा किसान आदमी हैं, अरे तो विधायक जी तक पहुंच जाइए, विधायक जी आते नहीं है क्या यहाँ जीत जाने? कहाँ कहाँ आते हैं विधायक जी, नहीं यहाँ जब हम लोग जाएंगे तो शाम को यहाँ कोई खाना नहीं पाएगा। दिन भर मंजूरी करते हैं, शाम को जो आता है वही हम लोग खा लेते हैं बना के। पान खाने का समय रहता है विधायक? खाने का समय नहीं रहता है, पान बुखार ये तो मिलता रहता है इधर उधर से। बाकी तो कोई यहाँ देखिए ना यह हवेली है। क्या कह रहे हो भैया? मोदी की रैली में जाए जब वो मिले खाने को, मोदी के रैली में जाओ तो कभी भी मिलेगा तुम्हारा पान खाने को। उस दिन भी योगी जी की रैली में हम लोग गए थे जगदीशपुर। अच्छा योगी जी के रैली में गए थे? कैसे गए थे भाई, किस कौन लेकर गए? हमारे प्रधान जी है यही लेके गए थे, पुराने प्रधान है ये बार नहीं है। हाँ। ये लेके गए थे इन्हीं के साथ हम लोग। अच्छा, सब क्या कहकर लेकर गए थे? रैली है बोले वहाँ आएंगे। हाँ। योगी जी। हाँ, तो हम लोग वहाँ चले गए, मजा आ गया। मजा आ गया अभी जाने में, फिर मजा तेल पेट्रोल। अच्छा तेल पेट्रोल मिला था? दिहाड़ी दिहाड़ी वगैरह को कौन ध्यान देता है, वो अपने तेल पेट्रोल डला दिन था, नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं नहीं नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, नुकसान कोई आप डेली का रोजमर्रा की जिंदगी में जो दिहाड़ी लगाते हैं उस दिहाड़ी तो नुकसान हो गया होगा? उस दिहाड़ी का तो नुकसान हो ही जाता है, मान लो। तो अभी ये जो नए लोग हैं ये तो कहीं कानपुर कहीं लखनऊ। एक चीज नहीं समझ में आ रहा है, दादा बता रहे हैं कि इनका जो है ना पेंशन मिल रहा है और कम्बल बांटा गया, जो कि स्मृति ईरानी लगातार कम्बल बांट रहे हैं। वैसे आज तक हमारे गांव में कोई ऐसा एकाध व्यक्ति चाहे हो जिसको कम्बल वगैरह मिल गया हो, वैसे कोई भी नहीं हो सकता ऐसा आदमी की जिसको कंबल मिला। वैसे नहीं मिलेगा हमारे गांव में तो बड़ा मुश्किल है। क्यों भाई? ए भैया थोड़ा जूम करके ऐसा दिखाओ इन लोगों को, मतलब नहीं मिला क्या आप लोगों को कुछ भी? ये बेटे के हाथ में क्या है भैया? अच्छा कागज कांग्रेस वाले आए रहे का? अच्छा कांग्रेस वाले आने लगे? हाँ कांग्रेस वाले आने लगे। दादी का हाल चाल है? इधर आओ, इधर आइए दादी को, हट जाओ बाबू। दादी का हाल चाल है? हाल चाल सब ठीक है। कमर का बताओ तो कुछ मिलता है यहाँ? हाँ कोई नहीं मिलता। नहीं मिला था? कभी नहीं मिला। अरे तो हवेली तो बनवा दी हुई और का दादी की? देखो हवेली, देखो हवेली, अरे हवेली देख ले, फोटो खींच ले हवेली का भैया। हाँ और जो कह रहे हैं कि शौचालय वगैरह बांटे जा रहे हैं, मतलब लेटरिंग करे वाला, लेटरिंग का क्या कहते हैं गांव में, टट्टी? टट्टी तो टट्टी करे के लिए मिला कि नहीं मिला? नहीं प्रधान के जरिए से मिला है।
यही तो कहीं चल के देख लियो मिला है लेकिन साहब मुला चल के वो भी उसमें भी घोटाला है पहले बात को समझिए उसमें भी घोटाला है दादा कह रहे हैं मिला है लेकिन एक बार चल के देख लियो तो चलो दिखा दो सब कंडल होएगा आज कंडल होएगा सब बेकार होएगा सब कंडल नहीं खुदा तो कौन बनवाया है ये सब ये बनवाए प्रधान प्रधान बनवाए ने अपने से बनवाए ने कि आप लोग बनवाने के लिए नहीं आप ही बनवाए ने हाँ तो बात जो है अगर हमारी हो रही है तो दादा यहाँ आइए क्या हाल चाल है आप लोग इतना क्यों छूट गए विकास से आप लोग क्यों छूट गए योजनाओं से इतना दूर क्यों सरकार वहाँ से कुछ भी देती हो यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा ये इनकी हवेली वो है टटिया भर का लगाया भाई वो हमारी हवेली टटिया भर का तो देखेंगे ही हैं अब चलिए आप थोड़ा उधर देख लीजिए अरे हम दिखा देंगे परेशान ना होइए वो तो देखिए एक बात समझिए हम आपसे सिर्फ क्या जानना चाहेंगे इस गांव का नाम क्या है नाम पूरे गुजरंगपुरवा है पूरे गुजरंगपुरवा विधानसभा विधानसभा जगदीशपुर ब्लॉक सुकुल बाजार सुन लिए ना अगर देख रहे हैं तो इनकी मदद कीजिए अब चुनाव सर पे है क्या मदद करेंगे स्मृति रानी कंबल तो बांट रही हैं इन लोगों कहना है कि हमको मिल ही नहीं रहा मिलता नहीं है हाँ ये देखिए यहाँ मिलता ही नहीं है पहली बार आप आए हैं तो इनका मतलब प्रचार या इसका आदमी का जीवन यापन कैसे हो रहा क्या मालूम है पब्लिक को सरकार को क्या मालूम है पहली बार हम आए हैं क्या पहली बार आए तो कहे लोकल का मीडिया कोई नहीं आता कोई नहीं आता है हाँ पहली बार आए तो आदमी का जीवन यापन कैसे हो रहा क्या मालूम बदनाम करने से कोई फायदा नहीं हाँ सरकार को बदनाम करने से कोई फायदा नहीं है तो किसको बदनाम करेंगे अब्बा को की अम्मा को अब मान लीजिए सरकार वहाँ से देती हो यहाँ ना पहुँचता हो तो बदनाम किसको किया जाए मतलब किसको किया जाए किसको बदनाम उनके कलाकारों को किया जाए उनके कलाकारों को किया जाए जी तो यार हम समझ नहीं पा रहे हैं ये बाहुल क्षेत्र क्या है मुस्लिम है दलित है या ये गांव तो मुस्लिम का है मल्लाह क्या इसका नाम ये पूरे गुजरंगपुरवा अच्छा ये पूरे गुजरंगपुरवा इसके आगे मल्लाह है हाँ मल्लाह मल्लाह मतलब क्या पूरा कहते हैं उसको मल्लाहन का पुरवा मल्लाहन के पुरवा अरे वो भी तबाह है बेचारे अच्छा वो भी तबाह है जी हमसे ज्यादा यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि दो दो मंत्री अमेठी में और फिर भी आप लोग का ये हाल है ये बात नहीं समझ में हम लोगों को दो व्यक्ति खड़े हैं यार अभी सुना प्रधान उधान आए हैं भैया अभी सुना कोई प्रधान आए इनका घर देख लीजिए यार एक मिनट यार हम एक बात सुनिए क्या नाम आप लिखते हैं इब्रार अली एक बात सुन लीजिए हम जब दिखाएंगे ना तो आप नहीं रोक पाएंगे रोक नहीं पाएंगे पूछिए क्यों क्योंकि हमारी जो खबर है ना बहुत तेजी से उड़ती है और आला अधिकारी भी इसको देखते हैं और देखने का कारण है तो पता नहीं कब कहाँ की कब्र हम खोद दें सही बात है तो बात समझ रहे हैं अब हम आप कह रहे हैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा हवेली दिखाएं हम सबसे पहले कौन सी हवेली हम दिखाना चाहेंगे हम आप बताइए सबसे पहले सबसे बड़ी हवेली कौन सी ये दादी की हवेली है ठौरे है आओ चलो आ जाओ कैमरामैन से कहते हैं आ जाइए हवेली दिखाने की बारी आ गई है कैमरामैन से कहेंगे इस तरफ जाइए और हमारे पीछे आइए इस तरफ घूम जाइए आलीशान हवेली है और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं बहुत बहुत शांति से सुनिएगा ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्योंकि गांव वाले समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा हम समझाते हैं आपके लैंग्वेज में जो देखिए ये ग्राउंड है गरीब का ग्राउंड मतलब हवेली का जो पहचान होता है वो बता रहा हूँ ये ग्राउंड है यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क की जाती होंगी ठीक है और दूसरा जो है वो सामने कुरिया देख रहे हैं ना वो शायद हो सकता है परपंच के लिए बनाया गया हो जो शहर में जब नेताजी से मिलने जाओ तो आगे एक हॉल बना होता है उसके अंदर बैठकर परपंच किया जाता है चर्चा किया जाता है हो सकता है वो बना हो बहुत गौर से सुनिएगा और दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं इनके यहाँ नौकर होंगे तो वो देखिए वो पीछे जो है वहाँ पर एक कमरा बना दिया गया है क्योंकि बड़े घरों में जो है हवेली में जो है वो कमरा होता है नौकरों के लिए जो ड्राइवर होते हैं जो किचन में काम करते हैं उनके लिए एक कमरा बना दिया जाता है तो हो सकता है वो लेकिन अलग बात है देखिए इसको दिल पर मत लीजिएगा कि यहाँ पर गाय बंधा हुआ है जेब भाई कुछ और दिखा मैं समझा रहा हूँ और दूसरी बात जो ग्राउंड में गाड़ी खड़ी होती हैं जो मेहमान रुकते हैं उनके लिए शौचालय बना हुआ है और ये शौचालय मोदी जी ने बनवाया है तो ये भी हम देख लेते हैं खोल के
कि ये लोग कह रहे हैं कि लेटरिन सही नहीं है। चलिए खैर, इसको दिखाना ठीक नहीं है, नहीं तो हो सकता है बेइज्जती हो जाए और मुकदमा अलग से लिख जाए, क्योंकि इसको बंद कर देते हैं, अच्छा रहेगा, ऐसे आसानी से बंद कर देते हैं। इसमें मेहमान रुकते होंगे, वही लोग जाते होंगे फारिग होने के लिए। चलिए खैर, कोई बात नहीं, ये गाँव का नल है और अंदर जा सकते हैं अगर ये आ जाते तो। आइए, ये देखिए, ये हवेली का गेट है और बड़ा डिजाइन से ये बनाया गया है। भैया, कौन से लोहार से बनवाए ये? अपने हाथ से। अच्छा, अपने हाथ से बनवाए हैं। चलिए खैर, कोई बात नहीं, आ जाइए भैया, अंदर आ जाइए, बच के आइए। वाह भाई वाह, अब हम हवेली के अंदर घुस गए हैं, उस हवेली में घुस गए हैं जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों को जो है आवास दिया है। कहाँ दिया है मैं पूछता हूँ, और ये लोग आपसे सवाल पूछेंगे, अभी मैं इनसे बात करूँगा और आप सुनेंगे, आप सुनेंगे, बड़े गौर से सुनेंगे, क्योंकि हम इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हैं। बाहर आपको मैंने बताया क्या क्या है, अब अंदर समझ लीजिए। ये हवेली में जो किचन होता है, समझ लीजिए किचन है, और ये देखिए चारों तरफ से जो है वो बर्तन वर्तन रखने के लिए बनाया गया है। और बेडरूम कहाँ है भाई आप लोगों का, हवेली का बेडरूम? हाँ, बेडरूम नहीं, मतलब सोने वोने का आपके हिसाब से, लेकिन शहर के हिसाब से बेडरूम, ये बेडरूम है, ये जो है ये बेडरूम है, और वो स्टोर रूम कहते हैं जहाँ पर सामान वामान रखा जाता है, स्टोर रूम ये है क्या? हाँ, स्टोर रूम भी देख लीजिए, हवेली का स्टोर रूम। नहीं यार, एक यहाँ पर बेड रखा हुआ है, गजब है, ये देखिए, लाइट जला दीजिए भैया, गजब है, ये देखिए, एक छोटा सा जो है, देखिए ये छोटा सा जो है बेडरूम है, छोटा सा बेडरूम, टीन थोड़ा करीब है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इसके अंदर खड़े होंगे, ऐसे खड़े होंगे तो ये लग जाएगा, लेकिन आप ये समझने के लिए आपके लिए काफ़ी है कि हवेली का ये सोने का रूम है। चलाइए पीछे चलिए, तो खैर बहुत कुछ हमने आपको दिखा दिया है, जितना मुझे दिखाना था मैंने दिखा दिया है, लेकिन अब क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत मजबूर, हम बनवा नहीं पा रहे हैं। कई लड़का हैं आप पे? तीन लड़का हैं, एक लड़का का एक्सीडेंट हो गया है, वो लिंगड़ा है, और एक बहन छोटा है, तो बनवा नहीं पा रहे? नहीं बनवा पा रहे हैं, हालत बहुत खराब है। तबीयत नहीं, कमाने वाले घर में कोई नहीं? नहीं, कहाँ, अकेले हैं, कोई कमा नहीं पा रहे हैं। तो आप सुन रहे हैं ना, यहीं पर हमारी ये कवरेजिंग नहीं रुकेगी, मैं आपको अंत तक दिखाऊंगा। अगर आपको मैंने एक हवेली दिखा दिया है तो दूसरा भी हवेली देखने की ताकत रखिए आप लोग, और सच्चाई दिखाना और आप तक पहुँचाना ये मेरा कर्तव्य साहब, क्योंकि हम तब तक खबर को नहीं छिपाएंगे जब तक इन गरीबों को आवास नहीं मिल जाता, इन गरीबों को योजना नहीं मिल जाता, वो योजना जो जिस योजना पर इनका अधिकार है। अगर कागजों पर ही आपका अधिकार है तो इनका धरातल पर भी अधिकार है, और ये नहीं छीन सकते हैं साहब आपसे, लेकिन हम इनके साथ खड़े हैं, हमारी पूरी टीम इनके साथ खड़ी है, और इनकी बातों को आप तक पहुँचाएंगे जब तक आप इनकी मांग नहीं पूरी कर सकते हैं, जब तक इनकी मांग आप नहीं पूरी करेंगे। जुड़े रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़, कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद जैफ, लखनऊ।